नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं पर मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी सक्रिय मोड में नजर भी आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं पर कम वक्त में काम ज्यादा की चुनौतियों को लेकर सीएम किस तरह से इसे स्वीकार करते हैं और क्या कुछ आगे की चुनावी रणनीति है, इसी पर न्यूज इंडिया स्टेट हेड गौरव गुप्ता ने नव नियुक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। सीधे बात करते हैं, 24 घंटे हुए हैं सर आपको शपथ लिए हुए, ताबड़तोड़ नई चीजें, कैबिनेट में युवाओं पर जोर, और सबसे पहली बात नए सीएस को 4 घंटे में दिल्ली से बुलाकर ज्वाइनिंग भी हो गई है, क्या अब आपकी सरकार का विजन है किस तरीके से उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे? सरकार हमारी जनता के द्वार जाएगी और जो काम हमारे पेंडिंग हैं उन कामों को हम जल्द से जल्दी पूरा करेंगे, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो चाहे हमारे अन्य संबंधित। बहुत सारी चीज़ें हैं साहब जो पिछली अगर बात की जाए 2 CM साहब के कार्यकाल में अधूरी रह गई हैं, चाहे वो TSR 1 और 2 हो, अब युवा सीएम धामी जी उसको कैसे देखेंगे? नहीं, हमारे दोनों ही सीएमओ ने बहुत अच्छा काम किया है और जो उन्होंने काम किए उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो काम अधूरे हैं उनको पूरा किया जाएगा। पहली बार देखा साहब जब सीएम शपथ ले रहे हैं तो राज्य मंत्रियों ने शपथ नहीं ली, पहली बार ये भी इतिहास बना है कि 11 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, किस तरह का आपकी ये सोच थी? आपने जैसे मीडिया से कहा था मैं होमवर्क करके काम करूंगा, आगे और किस किस तरीके की चीजें हैं? नहीं देखिए, मुझे मेरी पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी है, एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को, मेरी माँ भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय हमारे अमित भाई ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरी माँ ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं निश्चित रूप से सबको साथ में लेकर उत्तराखंड का हर संभव जो काम हो सकता है उत्तराखंड को बढ़ाने में, उत्तराखंड की चीज़ों को दूर करने में, और हमारी सरकार के रूप में कम और साझेदार के रूप में ज़्यादा काम करेगी। आखिरी सवाल सर, कोविड को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरी वेव में देखी हैं, तीसरी को लेकर तैयारी है, किस तरीके की बैठकें हो गई? आज आपने 3 बैठकें ली हैं लगातार, IPS, IAS और IFS की, क्या खास कुछ कहा है? नहीं, हमने पहले दिन सर ही इस पर बड़ा फोकस किया है कि जो हमारी तीसरी वेव आने वाली है और उसमें विशेषकर हमारे छोटे बच्चों को, उनके लिए पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे बेडों की व्यवस्था है लगभग 600 बेड और देहरादून में कुछ ज़्यादा बढ़ाकर, ऐसे ही जो है हमारे जो अन्य जैसे उधम सिंह नगर हैं वहाँ भी, चूँकि उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं और हमारे देहरादून में सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, आसपास के लोग, हिमाचल के लोग भी आते हैं, तो उसके हिसाब से एवरेज में हम यहाँ पर बेडों की व्यवस्था कर रहे हैं और तीसरी वेव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता को अभी आपका क्या संदेश है, लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर ही रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड की जनता ने मुझे, चूँकि मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ, उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, उत्तराखंड में बड़ा हुआ हूँ, उत्तराखंड की हर भौगोलिक परिस्थिति को जानता हूँ, यहाँ की जनता के दुख दर्द को जानता हूँ, मैं उसी में से निकला हूँ और सीखते हुए मेरी कोशिश होगी कि जो यथासंभव हो सकता है उसको मैं करूँगा। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने बताया कि सरकार लगातार कोविड को लेकर गंभीर है और इसके अलावा सरकार साझेदार के रूप में काम करेगी। अपने सहयोगी रिंकू के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के नव नियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए राहत सामग्री भिजवाई है। राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को सीएम ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास से रवाना किया। आपको यहां पर यह भी बता दें, मसूरी गणेश जोशी का विधानसभा क्षेत्र है। पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ही उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आज उन्होंने अपने कामकाज की शुरुआत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए कोरोना राहत सामग्री भिजवा कर करी। इससे पहले शनिवार को जब पुष्कर धामी के नाम की मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की गई थी तो तब उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा जीतना उनका पहला मकसद होगा। उत्तराखंड की जनता का हमारे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका जो है इस कोरोना महामारी के कारण जिनका रोजगार, जिनका व्यवसाय, रोजी रोटी सारी बंद हो गई, ऐसा हम लोगों का लगातार कोविड के दौरान भी और जब कोविड कम हो गया है और अभी लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोगों को जो है राहत देने का काम आज हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है।
उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को बीजापुर गेस्ट हाउस में बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया तेजी और समय से पूरा करने के निर्देश यहां पर दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु में 1 साल छूट प्रदान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बदलाव के साथ ही अधिकारियों में भी बदलाव हो रहा है। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। 1988 बैच के आईएएस के संधु अब केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे, तो वहीं पर सूबे ही राज्य सरकार ने उन्हें कार्यमुक्त करने को केंद्र से आग्रह किया था। केंद्र से रिलीव होते ही मुख्य सचिव पर तैनाती दी गई। अभी तक 1987 बैच के ओम प्रकाश मुख्य सचिव की जिम्मेदारी यहां पर निभा रहे थे। उन्हें फिलहाल प्रतिरक्षारत रखा गया है। ओम प्रकाश को राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाया गया। आपको यहां पर यह भी बता दें कि सुखबीर सिंह पंजाब में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से MBBS है। वहीं पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से उन्होंने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल करी है। इसके अतिरिक्त वो लो ग्रेजुएट भी है। वहीं पर लुधियाना में MC कमिश्नर के रूप में भी कार्य करते हुए उन्हें प्रेसिडेंट मेडल मिल चुका है। धामी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार लगातार जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के तहत सरकार की कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने। फ्रंटलाइन में आकर देखा गया कि आपने सबकी मदद करी। अभी भी जब कोरोना की वेव शांत हुई है तब भी आप देखा जा रहा है कि राहत सामग्री जो है लोगों तक वितरित कर रहे हैं, क्या है सर सब कुछ? देखिए, जब से कोविड-2 आया भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर उनके दर्द को बांट रहा था, सैनिटाइजर मास्क बांट रहे थे, उनको हॉस्पिटल में बेड दिलवा रहे थे और हॉस्पिटल्स में जो बेड की कमी है ऑक्सीजन की उसकी पूर्ति कर रहे थे। हमने मसूरी के अंदर, हमने कैंट के अंदर, हमने CST कालसी सारे क्षेत्रों में बेडों को बढ़ाया और हर जगह ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाए। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड आएगी लोगों को राशन की आवश्यकता है, राशन किट भेज रहे हैं। अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर गरीब मजदूर लोग रहते हैं, परसों वहाँ से फ़ोन आया था कि साहब वहाँ लोगों की स्थिति हो गई, अभी काम हालांकि खुल गया है लेकिन टूरिस्ट नहीं आ रहा है, काम शुरू नहीं हुआ है। तो आज 1500 बैग राशन के हम सरोना राय मिचैत के लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन गाड़ियों को रवाना किया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये इनका बहुत मैं कहूँगा कि जो पहला कार्यक्रम है सेवा ही संगठन, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि आपने मुझे इस सेवा के कार्य में अपना योगदान दिया। थर्ड वेव को लेके भी तमाम अटकलें लग रही हैं, किस तरीके से सरकार की तैयारी है? हम पूरी तरह तैयार हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि थर्ड वेव अगर आएगी तो बच्चों पर उसका प्रभाव होगा, हमने हर हॉस्पिटल में 25% बेड बच्चों के लिए स्वीकृत कर दिए हैं। हमने जो चाइल्ड वेंटिलेटर हैं उनकी व्यवस्था हॉस्पिटलों में की है हमने, क्योंकि बच्चा जब रहेगा तो अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ उसके माता पिता कोई रहेगा, हमने उनकी रहने की व्यवस्था उसके साथ में की है। और थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये थे मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमारे से बातचीत करी। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं साक्षी सानी, न्यूज इंडिया, देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल से यहां पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विधायक बनने से पहले, विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद भी क्षेत्र की जनता से कई वादे और घोषणाएं करी थी, लेकिन आज तक उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया। वहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि विधायक द्वारा झूठ बोला गया, इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। काली माता मंदिर में विधायक जी द्वारा 2008 में जब ये मंदिर
की स्थापना और भूमि पूजन किया जा रहा था, तो उस समय माननीय विधायक जी ने 1 लाख रुपए विधायक निधि से घोषणा की थी कि मैं दूंगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए आज तक इस मंदिर को नहीं दिया गया। वैसे ही 2017 के चुनाव में जब विधानसभा अध्यक्ष जी ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बनाने की घोषणा यहाँ पर करी थी, वो भी चुनावी एक जुमला था जो उन्होंने साबित किया है कि जुमलों की सरकार है, तो वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष जी ने गांव के लोगों को ठगने का काम किया है और झूठी घोषणाएं गांव के लोगों के ऊपर थोपने का काम किया है। ऋषिकेश के विधायक विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा जो विधानसभा के अंतर्गत बोले गए झूठे वादे, कई की गई झूठी घोषणाओं के विरोध में हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है और उसकी शुरुआत छिद्रवाला चौक पे माँ भद्रकाली के प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर के प्रांगण से किया है, क्योंकि इस सिद्धपीठ मंदिर के लिए भी 2008 में जब विधायक बन के आए थे तो उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। वो आज तक धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी ना ही वो घोषणा फलीभूत हुई है ना ही वो पैसा मंदिर तक अभी तक आया। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राजनीति शुरू हो गई है। हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव अफाक अली ने स्थानीय भाजपा विधायक पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया और साथ ही जिलाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता पर राव अफाक अली ने कहा है कि हरिद्वार की स्लेमपुर गांव पंचायत में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। विधायक के इशारे पर बीएलओ द्वारा कई मूल वोटर्स के नाम हटाकर बाहर से आए लोगों के नाम यहां पर जोड़े गए हैं। इसके साथ ही सलेमपुर ग्राम पंचायत के परिसीमन में भी अनियमितताएं बरती गई है। इस संबंध में उन्होंने हरिद्वार जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग करी है। रावली ने यहां पर चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही उनकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में वो कोर्ट का सहारा लेंगे। सीडीओ साहब और जिला उप निर्वाचन अधिकारी से मिले, उन्होंने बताया कि सलेमपुर गांव के 500-600 वोट ऐसे हैं जिनको बीएलओ ने रसीद भी दी और उसके बावजूद उनके लिस्टों से नाम गायब है, और 5-6 हज़ार वोट ऐसे फर्जी बने हैं जो जिनका कैंसिलेशन यूपी या अन्य राज्यों से नहीं हुआ, ना उनके यहाँ आधार कार्ड अभी शिफ्ट हुए ना उनके यहाँ मकान है उस तरह के। तो एक पंचायत चुनाव में भारी गड़बड़ी करने की एक साजिश रची जा रही है क्षेत्रीय विधायक द्वारा, तो हमने इसकी जो है आज विधिवत रूप से शिकायत की है और यदि हमारी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जो है उनकी जवाबदेही तय करेंगे। आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में मिशन विजय शंखनाद शुरू कर दिया गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने हरिद्वार विधानसभा से इसकी शुरुआत करी है। दिनेश मोहिनिया ने बताया है कि मिशन विजय शंखनाद 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में महत्वपूर्ण साबित होगा और इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ ही सोशल मीडिया और बूथ स्तर पर भी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उनका यह मानना है कि सोशल मीडिया और बूथ स्तर को मजबूत करके वो भाजपा जैसी पार्टी को भी यहां पर हरा सकते हैं। वहीं पर उन्होंने उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बदलने की फैक्ट्री बना दिया। प्रोग्राम है पार्टी का मिशन विजय शंखनाद, जिसमें 2022 की चुनावों की तैयारियों को लेकर मैं प्रदेश की 70 की 70 विधानसभाओं में जा रहा हूँ और आज हरिद्वार जिले का पहला प्रोग्राम है जो हरिद्वार सीट पर ही है, तो उसी विषय में आज आए हैं। सब कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग भी हो रही है इसमें और साथ ही साथ 2022 में सोशल मीडिया और बूथ प्रबंधन, ये दो विषय हैं जिनके ऊपर के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सोशल मीडिया और बूथ प्रबंधन ऐसी चीज़ है जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को भी हम हरा सकते हैं। इन तीन मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा के द्वारा बदले जाने, इस पर आपको देखिए, इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदलने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतूड़ा पुलिस लाइन के पास में एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 200 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में गिर गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करके जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पर 11 साल की एक बालिका वंदना ने दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला गाड़ी के अंदर फंसी थी जिसकी मौत हो गई। वहीं पर वाहन चालक लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। 9:30-9:30 की बात है, हमें फायर से सूचना मिली कि पुलिस लाइन से थोड़ा आगे 100 मीटर आगे कोई गाड़ी खाई नदी में गिर गई है। तुरंत मौके पर आ गए हमने, एसडीआरएफ टीम और फायर की टीम मौके पर पहुंची
हमने मौके से चार लोगों का रेस्क्यू किया, चारों को 108 में भेज के तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा दिया। उसके बाद हमें सूचना मिली कि उसमें टोटल 6 लोग थे, तो दो लोग हमें पूरा, हमने 200 मीटर आपको दिखाई दे रहा ऊपर से नीचे, इसमें 200 मीटर हमने सर्च किया तो कोई भी नहीं मिला हमें। उसके बाद हमने गाड़ी जो नदी में अभी भी नदी में है उसको काटने की कोशिश भी की अपने आरआरसा से, लेकिन फिर उसके बाद हमने गाड़ी पलटा के देखा तो उसमें एक महिला का शव मिला है। रुद्रप्रयाग के पास में घोलतीर में हुई कार हादसे में गंभीर रूप से घायल एक 5 वर्षीय बालक को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि कार हादसे के बाद में गहरी खाई में गिर गई थी। बताया जा रहा है कि इस कार में सवार दो लोगों ने घटनास्थल के पास ही दम तोड़ दिया। अन्य घायलों में से एक 5 वर्षीय बालक को रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन बच्चे की हालत ज्यादा खराब होने के चलते उसे राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। लडोरा नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में 240 सरकारी भवनों का किराया 300 रुपए प्रति माह तय किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में अवस्थापना विकास निधि से निर्माण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा गया, जहां पर लडोरा में करीब 10 साल पहले समेकित निर्बल आवास योजना के तहत 240 भवनों का निर्माण शुरू किया गया था, जिसकी किसी कारणवश भवनों का निर्माण बीच में ही रुक गया था। कुछ समय पहले ही कार्यदायी संस्था भवनों का निर्माण पूरा कर नगर पंचायत के हैंडओवर यहां पर किया गया था। सोमवार को बोर्ड की बैठक में सरकारी भवनों के आवंटन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। ईओ राजेंद्र पाल सैनी ने बताया कि बोर्ड ने एक भवन का किराया 300 रुपए प्रति माह तय किया है। 40 भवन बनाए हुए हैं, उनके जो है उनके आवंटन करने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी और बोर्ड द्वारा उनमें जो है 300 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है। शीघ्र ही एक दो दिन बाद इसकी विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। अन्य जो योजनाएं थी अवस्थापना विकास योजना के अंदर करीब 90 लाख के प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनको शासन को भेजा जाएगा। शासन से अगर धनराशि प्राप्त होती है तो उनसे निर्माण कार्य कराए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत शासन द्वारा जल संचय पर काफ़ी जो है जोर दिया जा रहा है। उसके अंतर्गत जहाँ भी हमारी नगर पंचायत सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत नई कॉलोनियाँ बनी हैं, उनमें जो भी जहाँ पाइपलाइन वाटर सप्लाई पाइपलाइन नहीं पड़ी है, वहाँ वाटर सप्लाई पाइपलाइन डालने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के दल्लावाला गांव में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के पति मांगेराम की तहरीर पर सुरेश पाल और तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश चल रही है। पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बधाई वाले होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने का ऐलान किया गया, वैसे क्षेत्र का दृश्य भी बदलना शुरू हो गया। धामी मुख्यमंत्री बनते ही क्षेत्र में होर्डिंग्स पर पोस्टर बदल गए, जहां पर तीरथ सिंह रावत को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं से लबरेज पोस्टर थे, वहां अब रातों रात नए मुखिया धामी को बधाइयां देने वाले पोस्टर लग गए। राजनीतिक जो लोग हैं, जिन्हें सत्ता से और सत्ताधारी लोगों से लगातार काम रहता है, वो तो ऐसा ही करते हैं हमेशा। जिसके पास भी कुर्सी आई, उसी को धन्यवाद देते हुए, उसका आभार जताते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनके साथ अपना फोटो लगा देते हैं। पहले त्रिविंदर सिंह बने थे तो उनके पोस्टर लगे थे, उनके होर्डिंग्स लगे थे। उसके बाद तीरथ सिंह बने तो रातों रात पोस्टर बदल गए। अब पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया है तो रात को किस समय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो हमें उनके स्वागत में, उनके सम्मान में होर्डिंग तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी है। वो हमारे मुखिया प्रदेश के संगठन ने उन्हें भेजा है, उन्हें कमांड सौंपी गई है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है। संगठन जिसे भी बना के भेजेगा हम उसी का स्वागत करेंगे। पहले त्रिविंदर सिंह रावत जी थे, तीरथ सिंह रावत जी आए, वो भी हमारे संगठन के आदमी हैं, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी स्वागत है। उनका हमारे संगठन के लोग हैं, हमारा जो जिसे भी संगठन भेजेगा हम उसका स्वागत करेंगे।
और धामी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। बागेश्वर में ऑनलाइन सट्टा लगाने वालों पर अब पुलिस की साइबर सेल पैनी नजर रख रही है। वहीं पर कोतवाली पुलिस ने ऐसे ही तीन लोगों को पकड़ा है जो कि ऑनलाइन जुआ खेल रहे थे। उनके पास से पुलिस ने तीन मोबाइल और हजारों रुपए की नकदी बरामद कर ली। वहीं पर तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। कई जगहों से लगातार पब्लिक की शिकायत आ रही थी कि लोहे लेने लड़के वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जुआ खेल रहे हैं, इस तरह की जो है शिकायतें आ रही थी। तो इसी क्रम में हमारा जो सर्विलेंस है और SOG और कोतवाली पुलिस, इन लोगों ने जो है कल काफ़ी प्रयास किए, तो इनको जो नुमाइश खेत है हमारा, वहाँ पर काफ़ी लड़के इकट्ठे रहते हैं। तो वहाँ पर जब हमने ट्रेस किया तो वहाँ हमें तीन लोग ऐसे मिले जो ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे, और सट्टा किंग करके एक साइट है जिसका वो यूज़ कर रहे थे। और जब उनसे पूछताछ करी, सख्ती से जानकारी करी गई, तो उन्होंने सारा मैटर बताया कि जो है यहाँ पर वो और भी करीब 50-60 लोगों को जो है उन्होंने अपना एक तरह से वो बना रखा है, क्लाइंट बना रखा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।